दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में जो सुरंग है आखिर कहां जाती है? नरेंद्र मोदी उस बंगले में क्यों नहीं रहते जिसमें मनमोहन सिंह रहा करते थे, और अब उस बंगले का क्या किया जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, नरेंद्र मोदी के घर पर रॉबर्ट और विश्वनाथ प्रताप सिंह से क्या लेना देना है? आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी के बंगले की उन खुफिया बातों को जानने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होगा। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं रहता। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी माँ के साथ बंगले में नजर आ रहे हैं, लेकिन परमानेंटली वहां कोई नहीं रहता और मोदी जी अकेले रहते हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी तक हर किसी के बेटे, दामाद और परिवार के बाकी सदस्य साथ रहते थे, और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही साथ रहता था, और ये सभी सात रेस कोर्स रोड पर रहा करते थे जिसे इस समय लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये पूरा परिसर 12 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें कुल 6 बंगले मौजूद है, और उन बंगलों के नंबर हैं जिनसे इन्हें पहचाना जाता है। वैसे इन बंगलों की नंबरिंग भी बड़ी अजीब है, जिन्हें एक छोड़कर रखा गया, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले रहने आए थे राजीव गांधी, और जो उनके पहले के प्रधानमंत्री थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन मूर्ति भवन में रहे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। उसके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री, जो 10 जनपद में रहा करते थे, वो भी गुजरे तो उनके इस हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया, और उसके दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया जो इस समय सोनिया गांधी का घर है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई, जो कि एक सफदरजंग रोड पर रहा करती थी, और यहीं से वो एक अकबर रोड पर जा रही थी जब उनका कत्ल कर दिया गया, और फिर इस घर को भी म्यूजियम बना दिया गया। फिर आए राजीव गांधी, जो 7 रेसकोर्स रोड में रहे। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, और इसी बंगले में रहते हुए उन्होंने कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है अब ये हमेशा प्रधानमंत्री का आवास होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो यहीं रहेगा, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी वहां रहते हैं और उनका वीपी सिंह से कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं बंगले के अंदर क्या है। तो दोस्तों, बंगले के अंदर एग्जैक्टली क्या और कैसे है ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। अगर पता चल गया तो प्रधानमंत्री के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ किताबों के जरिए कई सारी जानकारियां दी गई है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये आती है कि 7 रेसकोर्स रोड के जो बंगले हैं उन्हें डिजाइन करने वाले रॉबर्ट थे, जो एडविन ल्यूटियांस के चेले थे। ये वही है जिन्होंने लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सरकार के दफ्तर, या फिर कह लीजिए पूरी की पूरी जो दिल्ली बसाई थी, इसलिए इसे ल्यूटियंस दिल्ली कहा जाता है। दोस्तों, वापस प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में बात करते हैं। वहां पहुंचने का नॉर्मल रास्ता अशोका होटल से होते हुए जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इस रास्ते से अंदर घुस जाएगा। केवल खास लोग ही इस बंगले में प्रवेश कर पाते हैं। जैसे ही आप इन बंगलों के समूह में जाएंगे, सबसे पहले 9 नंबर का बंगला पड़ता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री की रक्षा करने वाले SPG के कमांडो रहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को खास तौर पर प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और प्रधानमंत्री के आवास में यही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो हर मेहमान की अगवानी करते हैं। जैसे कोई आता है, उसकी कार पार्किंग में लगा दी जाती है, और फिर उन्हें ये लोग अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। उससे पहले ही पहचान इत्यादि वगैरह कर लिया जाता है। फिर आता है 7 नंबर का बंगला, और इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेसकोर्स रोड कहलाता था, जिसका इस्तेमाल घर वाले, दफ्तर के लिए नरेंद्र मोदी करते हैं। जो अफसर और नेता वगैरह मोदी जी से रायसेना हिल्स केंद्रीय सचिवालय के साउथ ब्लॉक में नहीं मिल पाते, उन्हें घर वाले दफ्तर में बुलाया जाता है। और फिर नंबर आता है 5 नंबर वाले बंगले का, यहीं पर नरेंद्र मोदी रहते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, बल्कि वो 3 नंबर के बंगले में रहा करते थे।
लेकिन अब 3 नंबर के बंगले में गेस्ट हाउस बना दिया गया है, जहां प्रधानमंत्री के मेहमान रुकते हैं, जबकि मनमोहन सिंह के जमाने में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था, जिसमें इस वक्त मोदी जी रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, प्रधानमंत्री 5 नंबर के बंगले में रहते हैं, दफ्तर है 7 नंबर के बंगले में, तो क्या हर बार ये चलकर ऑफिस में जाते हैं या फिर गाड़ी में बैठकर? तो दोस्तों, इसका जवाब दोनों में से ही नहीं है, क्योंकि एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है जिसके सहारे प्रधानमंत्री 5वें नंबर के बंगले से 7 नंबर के बंगले में पहुंच चुके हैं। और अगर हम बंगला नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर एक हेलीपैड है और प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर में जहाँ कहीं भी जाना होता है वो यहीं से अपनी सवारी भरते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के एयरपोर्ट तक भी प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं और उसके लिए वो यहीं से उड़ान भरते हैं। अब बचता है 11 नंबर का बंगला जिसका मिक्स इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं उस खुफिया सुरंग की जिसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए बनवाने का फैसला हुआ था। सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक समय की बचत के चलते उस सुरंग को बनाना था और फिर 2010 में सुरंग बननी शुरू हुई, 2014 में पूरी हुई। तब तक मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो गया और फिर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त इस सुरंग वाले रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, ये जो सुरंग है ये प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाई गई है और बताया जाता है कि प्रधानमंत्री इसी सुरंग से गुजरकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, ताकि ना ही उनकी सुरक्षा में कोई कमी आए और ना ही समय में। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की वो खुफिया जानकारी जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। हालांकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे लोग अनजान है, लेकिन इस बारे में किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से मोदी जी की जान को खतरा हो सकता है। बाकी आपका वीडियो के विषय में क्या विचार है हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।